के बाद जयपुर के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन इलाकों की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। कल ओमान से आए एक व्यक्ति और उसके दोस्त में कोरोना की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। जयपुर के निवासियों की सुरक्षा हेतु आज समस्त वार्ड सिटी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसमें 4 पुलिस स्टेशन का संपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें है रामगंज, मानक चौक, सुभाष चौक और कोतवाली, और 3 का आंशिक क्षेत्र है जो वॉल्ड सिटी एरिया है, ब्रह्मपुरी, गलता गेट और नाहरगढ़। ब्रिटेन के युवराज प्रिंस चार्ल्स के बाद वहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। उनके प्रवक्ता ने बताया कि एक दिन पहले पीएम बोरिस जॉनसन को अपने सरकारी आवास में कोरोना वायरस के लक्षण महसूस हुए, जिसके बाद ब्रिटेन के चीफ मेडिकल ऑफिसर की सलाह पर उन्होंने कोरोना वायरस टेस्ट कराया जो पॉजिटिव निकला। इस बात की जानकारी बाद में खुद बोरिस जॉनसन ने ट्विटर पर दी और बताया कि वो पूरी तरह ठीक होने तक सबसे अलग रहेंगे। हालांकि ब्रिटेन में कोरोना वायरस की वजह से हालात गंभीर हैं, इसलिए उन्होंने घर से ही काम करते रहने का फैसला लिया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बोरिस जॉनसन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक पॉजिटिव टेस्ट कर चुके हैं कोरोना वायरस के लिए, और यहाँ बात समाप्त नहीं होती। अवश्य ही अन्य मंत्री, अन्य अधिकारियों के साथ इनकी मुलाकात हुई है, और जैसे कि साफ नजर आ चुका है टेलीविजन पर, 2-2 मीटर का फासला नहीं रखा गया। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने खुद वीडियो जारी कर अपने कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की और ये संदेश भी दिया कि उनकी हालत बेहतर है। Hi folks, I want to bring you up to speed with something that's happening today, which is that I've developed mild symptoms of the coronavirus, that's to say a temperature and a persistent cough, and on the advice of the chief medical officer, I've taken a test that has come out positive, so I am working from home, I'm self-isolating, and that's entirely the right thing to do. पुदुचेरी में एक शादी समारोह में कोरोना वायरस का खौफ देखने को मिला। वहां शादी में पहुंचे ज्यादातर मेहमानों ने मास्क लगाया हुआ था ताकि वो इस जानलेवा वायरस की चपेट में आने से बच सकें। इतना ही नहीं, दूल्हा और दुल्हन भी मास्क लगाए नजर आए। इस दौरान वहां मौजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखते हुए दिखाई दिए। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग वहां दिखे जो सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बगैर एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। यूरोप के कई देशों के नागरिक दिल्ली से अपने देश लौट गए। भारत में फंसे जर्मनी समेत यूरोप के दूसरे देशों के 500 से ज्यादा नागरिक दिल्ली से अपने देश लौट गए। ये सभी अपने देश लौटते समय काफी खुश नजर आए। दिल्ली में संसद भवन के पास कुछ अधिकारियों ने लॉकडाउन पर एक मीटिंग की, जिसमें एक दूसरे से दूरी का खास ध्यान रखा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के मुद्दे पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की और इस लड़ाई में मिलकर काम करने की बात कही। ट्रंप की जिनपिंग से बातचीत ऐसे समय हुई है जब अमेरिका में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और वहां ट्रंप समेत कई लोग चीन से नाराजगी जताते हुए इसे कोरोना वायरस की जगह चाइनीज वायरस बोलते रहे। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने के लिए लोगों से रक्तदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने सभी गणेश मंडलों और सामाजिक संस्थाओं से भी इस काम के लिए आगे आने की अपील की। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मौजूदगी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 आतंकी जंगल और फलों के बागान में घूमते दिखाई दिए। हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस से जुड़ी एक कविता शेयर की, जिसमें उन्होंने इस स्थिति के लिए इंसानों को ही जिम्मेदार बताया और ऊपर वाले से सभी को माफ करने के लिए प्रार्थना की। मुंबई के नजदीक थाने में 2 लोगों की एक पुलिस वाले ने जमकर पिटाई की। आरोप है कि दोनों आदमी लॉकडाउन और कर्फ्यू के बावजूद बेवजह घर से बाहर घूम रहे थे। दोनों को घूमता देख एक पुलिस वाले ने उन्हें पकड़ लिया और फिर लाठी से उनकी पिटाई कर दी। इसके बाद दोनों को पुलिस से माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन पुलिस वाले ने उनकी एक नहीं सुनी। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। तो
कोरोना वायरस के खतरे के बीच चीन से दोस्ती पाकिस्तान के लिए भारी पड़ रही है। जानकारी के मुताबिक चीन के लोगों के संपर्क में आने से पाकिस्तानी सेना के 230 जवान कोरोना वायरस की चपेट में आ गए और इनमें 40 पॉजिटिव मिले, जिनमें कई अधिकारी भी शामिल हैं, जिसके बाद सभी जवानों और अफसरों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है और ये क्वारंटीन सेंटर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में बनाए गए हैं ताकि पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों में इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। राजस्थान के भरतपुर में मरीज के साथ मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दो पुलिस वाले मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला भरतपुर के आरपीएम अस्पताल का है, जहां एक युवक खांसी की तकलीफ के बाद वहां पहुंचा था। वीडियो में ये युवक वार्ड में कुछ शिकायत करता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद अस्पताल के कर्मचारी पुलिस को लेकर वार्ड में पहुंचे और पुलिस वालों ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। आरोप है कि युवक को अस्पताल में जबरदस्ती भर्ती कर लिया गया था। युवक ने जब मांग की कि या तो उसका कोरोना वायरस टेस्ट किया जाए या फिर उसे छुट्टी दे दी जाए, तो अस्पताल ने पुलिस बुला ली। बीच लड़के हैं एक रूम में, अब उनके साथ मैं नहीं रह सकता। सवाल इनके किसी का पॉजिटिव हुआ तो मैं भी बीमारी पड़ जाऊंगा। पुलिस स्टाफ ने मेरे को भेजा है और मेरे को वहां नहीं भेजा। मेरी मांग एक ही है कि मेरे को होटल भेजें। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से चेन्नई में एक जोड़े ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा और शादी के समारोह में पूरी सतर्कता बरती। आमतौर पर शादियों में काफी तादाद में लोग जुटते हैं, लेकिन कोरोना के फैलने के डर से इस शादी में केवल घर के खास रिश्तेदारों को ही बुलाया गया। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा गया कि वहां साफ सफाई की पूरी व्यवस्था हो। शादी की जगह पर पहुंचे मेहमानों के हाथों की सफाई के लिए वहां सैनिटाइजर का इंतजाम भी किया गया। इस जोड़े की शादी में सभी लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे भी नजर आए। कोरोना रिलेटिव्स क्लोज टू 20 पीपल्स मतलब वैसे लाइक सिंपल वी हैव टू फिनिश इट। लॉकडाउन के दौरान सारे बंदोबस्त के बीच पूरे रीति रिवाज से इस जोड़े ने शादी रचाई। लॉकडाउन के बाद कामकाज बंद होने की वजह से राजस्थान के डूंगरपुर जिले में रतनपुर बॉर्डर पर महाराष्ट्र और गुजरात से हजारों लोग पहुंच गए। कोरोना वायरस के डर की वजह से प्रशासन अब इन लोगों की जांच में जुटा है और बताया गया कि इतने लोगों की स्क्रीनिंग के लिए 75 डॉक्टरों और 60 नर्सों की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही लोगों के खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। स्क्रीनिंग, उनका लिस्टिंग, कौन व्यक्ति कहां से आया है, कहां जाएगा, फादर उनको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उनके गंतव्य स्थान तक छोड़ रहे हैं ताकि रास्ते में कहीं वो इधर उधर भटकते हुए बसते हैं किसी लोकेशन पर बाकी लोगों को संक्रमित नहीं करें। शिल्पा शेट्टी ने झाड़ू लगाने का एक वीडियो शेयर किया। शिल्पा शेट्टी ने घर में झाड़ू लगाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भी अपने घर पर झाड़ू लगाया और इसे फिट रहने का सही तरीका बताया। गार्डन हो, घर हो, सफाई करो, इससे बेटर वर्कआउट नहीं हो सकता। एनसीपी नेता शरद पवार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उठाए गए कदमों की तारीफ की और बताया कि उनकी पार्टी के सभी सांसद और विधायक अपना एक महीने का वेतन दान करेंगे। यूपी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान राज्य की सीमा में दाखिल हुए पैदल यात्रियों के लिए खाने पीने का इंतजाम करने को कहा। साथ ही पुलिस को निर्देश दिए गए कि इन सभी को सुरक्षित जगह पर भेज दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांगों को एक महीने की खाने पीने की चीजें उनके घर तक पहुंचाने का आदेश दिया। सरकार ने यह फैसला इसलिए किया ताकि उन्हें लंबी लाइनों में न लगना पड़े। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की, जिसमें सभी प्रदेशों के राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल हुए। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कोरोना वायरस का खतरा टलने तक अपनी सुरक्षा छोड़ने का ऐलान किया। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से लगातार दूसरे दिन इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट बांटे गए। और जहां से हमें रिक्वेस्ट आ रही है, खाना गरीबों को पहुंचाने के लिए हमारी वो कोशिश है। मरीजों की मदद के लिए अमेरिकी नौसेना ने अपने जहाज को अस्पताल बना दिया, जो लॉस एंजलिस पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद अमेरिका ने अपने इस जहाज को अस्पताल में तब्दील कर दिया है। अमेरिकी नौसेना ने अपने जिस जहाज को अस्पताल बनाया है, उससे लॉस एंजलिस के कोरोना मरीजों की देखभाल में मदद मिलेगी। पानी पर तैरते इस अस्पताल में 1000 बेड और 1000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। इसके अलावा इनमें सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर भी बनाए गए हैं। फिलहाल ये जहाज केवल एक जगह पर रहेगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी और अमेरिका की सरकार ने आदेश दिया तो इस मुश्किल दौर में ये आसपास के इलाकों में भी महामारी से लड़ने में मदद करेगा।
लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में जिन गरीबों के सामने भूखों रहने की नौबत आ गई है, उनकी मदद की पहल आम आदमी पार्टी ने भी की है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ऐसे लोगों की मदद के लिए खाना पहुंचाने का बीड़ा उठाया, जिसके लिए उनके सरकारी आवास में खाना बनाने का इंतजाम किया गया। इस समय हम नॉर्थ एवेन्यू में राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक किचन बनाई गई है। वहाँ पूड़ी और सब्जी तैयार कर उसे पैकेट में बंद कर जरूरतमंदों तक पहुँचाने का सारा इंतजाम है और ये सब संजय सिंह की पत्नी अनीता की देखरेख में हो रहा है। मैंने एक छोटा सा किचन शुरू किया है जिससे कि हम उन तक खाना पहुँचा सके, जिससे दिल्ली में कोई भूखा सो न सके। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक एम्बुलेंस में मरीज ले जाने के बहाने जा रहे 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया गया कि ये लोग मरीज ले जाने का बहाना करके एम्बुलेंस से लॉकडाउन के बीच जा रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि एम्बुलेंस में बैठे लोग मरीज ले जाने का बहाना करके कहीं जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये सभी लोग कोल्हापुर के बाहर से आए थे। बाद में पुलिस ने सभी 8 लोगों को हिरासत में ले लिया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एक महिला पर जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने की कोशिश का आरोप लगा और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। बताया गया कि एक दिन पहले वो महिला पेंसिल्वेनिया के हैनोवर शहर में एक किराना स्टोर पहुंची और वहां रखे बेकरी, मीट और खाने पीने के सामान की ओर मुंह करके खांसने लगी, जिसके बाद स्टोर के कर्मचारियों ने उसे बाहर निकाला और पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद स्टोर में रखे करीब $35,000 यानी भारतीय रुपयों में 26 लाख रुपए से ज्यादा का सामान कूड़ेदान में डाल दिया गया और पूरे स्टोर को सैनिटाइज किया गया। कुछ घंटे बाद पुलिस ने उस महिला को हिरासत में ले लिया और बताया कि महिला ने जानबूझकर किराना स्टोर में यह हरकत की। हालांकि उस महिला की शुरुआती जांच में कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं पाया गया, फिर भी उसका मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। अमेरिका ने जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने वालों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। राजस्थान के अजमेर में एक फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है, लेकिन ये आग इतनी भीषण थी कि इसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद फैक्ट्री की खिड़कियों और छत से आग की ऊंची ऊंची और भीषण लपटें उठने लगी। आग लगते ही आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को इस बात की जानकारी दी, लेकिन फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही ये आग काफी फैल चुकी थी। हालांकि फायर ब्रिगेड ने कई घंटों बाद इस आग को काबू कर लिया। इस हादसे में लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई। युजवेंद्र चहल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। युजवेंद्र चहल ने अपने पिता के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जो वायरल हो गया। बेटा तेरा रिजल्ट का क्या हुआ? Oh no! डैड, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। गुड न्यूज बता। मैं पास हो गया। ग्रेट। और बैड न्यूज? गुड न्यूज गलत है। दिल्ली के महरौली में पुलिस ने अकेली रह रही एक बुजुर्ग महिला के घर की लाइट ठीक करवाकर उनकी मदद की। लॉकडाउन के दौरान उन्हें बिजली ठीक करने के लिए कोई नहीं मिल रहा था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से मदद मांगी थी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सभी मरीजों की सुविधा के लिए राज्य के सभी डॉक्टरों से अपने क्लिनिक खुले रखने की अपील की। हरियाणा के पंचकुला में पुलिस ने गरीब बच्चों को मिठाइयां बांटी और उन सभी को कोरोना वायरस से बचाव के तरीके बताए। उत्तराखंड के टिहरी में कुछ लोगों ने आटा, चावल और दाल लेकर वहां रह रहे मजदूरों की मदद की। जितना राशन मिला हमें उसको हम इन लोगों के बीच बांट रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इनके शाम की रोटी का गुजारा हो जाए। मध्य प्रदेश के हरदा में अचानक हुई बारिश से गेहूं की काफी फसल खराब हो गई, जिससे किसानों की मुश्किल बढ़ गई। फसल को नुकसान यही है, अभी 2 दिन अब गाड़ी नहीं चल पाएगी, धूप निकलने के बाद ही चलेगी। केरल के पलक्कड में लॉकडाउन के बीच लोग सारे नियमों को धता बताते हुए सब्जियां खरीदने के लिए बाजार पहुंचे। कुछ लोग हफ्ते भर की सब्जी गाड़ियों में भरकर ले जाते दिखे और इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी नहीं रखा। लोग एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे और इनमें भी कुछ लोगों ने ही मास्क लगाए हुए थे। जम्मू में 3 दिनों से बस स्टेशन पर 400 से ज्यादा मजदूर फंसे हुए हैं और उन्हें फिलहाल किसी तरह की मदद नहीं मिल रही। राज्य के अलग अलग इलाकों से ये मजदूर जम्मू में काम करने आए थे, लेकिन लॉकडाउन के बीच ये वहीं फंस गए और अब ना ही इनके पास रहने का कोई ठिकाना है और ना ही घर वापसी का कोई जरिया। किसी भी तरह की ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं होने की वजह से ये सभी लोग बीते 3 दिनों से सड़क पर हैं और बारिश के बीच बंद पड़ी दुकानों के नीचे खड़े होकर किसी तरह अपना सिर ढक रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते हर जगह के रास्ते सील कर दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लोग रजौरी, पुंछ और किश्तवाड़ डोडा के रहने वाले हैं। ये पिछले 3 दिन से बस स्टैंड पे हैं। इनके पास ना तो अब खाने का कोई सामान है और ना ही इनको घर पहुँचने की कोई सुविधा मिल रही है। हाथों में सामान उठाए कई मजदूरों के साथ उनके परिवार के लोग भी नजर आए,
जबकि कई लोगों के साथ बच्चे भी थे जिन्हें लेकर वो सड़क किनारे खड़े होकर मदद की राह देख रहे हैं। ना गाड़ियां ना कुछ, कभी बोले इधर आ जाओ, कभी बोले उधर जाओ, कभी बोले डीसी ऑफिस चले जाओ। कई मजदूरों ने आरोप लगाया कि बीते 3 दिनों से खुले में रात गुजारने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक उनके लिए किसी तरह का इंतजाम नहीं किया गया। मुझे आज 4 दिनों के सर बुखार है, हमें बड़ी दिक्कत है सर, भूखे मर रहे हैं हम सर, यहाँ पे कोई खाने की सुविधा भी नहीं है सर, बड़ी प्रॉब्लम है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतने की आखिरी उम्मीद लॉकडाउन है, जिसे सफल बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। बाहर से आने वालों को रोकने के लिए दिल्ली के सभी बॉर्डर सील किए जा चुके हैं और यूपी गेट पर तो दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। वहां गाजियाबाद और नोएडा से आने वाली एक एक गाड़ी को चेक किया गया। जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको यहां पर आने की इजाजत है। ये दिल्ली को आने वाले वाहन हैं, आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस यहां पर है और उनके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस है। ऐसी ही सख्ती दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी दिखी, जहां बारिश में भी पुलिस वाले ड्यूटी पर मुस्तैद रहे ताकि बिना पास या मंजूरी वाले वाहन दिल्ली में दाखिल न हो सके। इसी सख्ती का असर रहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा से दिल्ली की ओर जाने वाले डीएनडी एक्सप्रेसवे पर आम दिनों में लगने वाला जैम नहीं दिखा। और फिलहाल इस डीएनडी में गिनती की 5 गाड़ियां मौजूद हैं। ये एक चेक पॉइंट फिलहाल रखा गया है जहां पर पासेस चेक करें। वहीं दिल्ली की सड़कों पर भी पुलिस ने बैरिकेड लगाकर गाड़ियों की जांच की। इस दौरान ड्यूटी पर जा रहे एक डॉक्टर ने लोगों को घर से न निकलने की सलाह दी। मैं जनता से यही कहूंगा कि ये जो वायरस है ये आपके घर चल के नहीं आता है, ये आप लेके आएंगे। अगर हम यही इसको रोक दें और अपना योगदान दें तो हम इससे जीत हासिल कर सकते हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इस साल भारत का जीडीपी बढ़त दर अनुमान घटा दिया। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत का जीडीपी बढ़त दर अनुमान 5.3% से घटाकर 2.5% कर दिया। बिहार में कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए विधायक अपने फंड से 50 लाख तक की मदद मुख्यमंत्री राहत कोष में दे सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कई विधायकों की मांग के बाद ये फैसला लिया। फिल्म बाहुबली के अभिनेता प्रभास ने कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए 4 करोड़ रुपए की मदद दी। साथ ही दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता पवन कल्याण ने 2 करोड़ जबकि चिरंजीवी और महेश बाबू ने 1-1 करोड़ दान किए। गुजरात में लॉकडाउन के दौरान पुलिस की मदद के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को उतारा गया। लॉकडाउन के दौरान गुजरात पुलिस सुरक्षा के साथ साथ जरूरतमंद लोगों के खाने पीने का भी इंतजाम कर रही है। रैपिड एक्शन फोर्स की जो कंपनियां हैं उसको तैनात की जा रही है। आप देख सकते हैं ये अहमदाबाद का दरियापुर का बाहर का इलाका। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को एक खत लिखा और नैनीताल में फंसे उनके लोकसभा क्षेत्र वायनाड के 20 छात्रों को जरूरी सुविधाएं देने की मांग की। त्रिपुरा के अगरतला में कुछ पुलिस वालों ने जरूरतमंद लोगों को खाना बांटा, जिसमें एक दूसरे से दूरी का खास ध्यान रखा गया। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने लॉकडाउन के बावजूद राज्य की सीमा के पास पहुंचे मजदूरों का मुद्दा उठाया। इसके लिए उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। हजारों की संख्या में गुजरात से महाराष्ट्र से पैदल आ रहे हैं लोग, वहां की सरकारें रोक ही नहीं रही उनको। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने गांव लौट रहे लोगों से राजघाट के पास मुलाकात की और उन्हें रात को नजदीक के रैन बसेरों में रुकने को कहा। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने इन रैन बसेरों में खाने और रहने का पूरा इंतजाम किया है। भारत में कोरोना वायरस की पहली तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर केरल में कोरोना के एक मरीज के सैंपल से ली गई है, जिससे वैज्ञानिकों को कोरोना के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। ये तस्वीर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने केरल में 30 जनवरी को आए पहले मरीज से ली है। ये ICMR ने तस्वीर ऑनलाइन भी जारी की है और बताया जा रहा है कि कोरोना से लड़ने का तरीका तलाश रहे वैज्ञानिकों को इस तस्वीर से काफी मदद मिलेगी। नवरात्र पर उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध विंध्यवासिनी मंदिर में सन्नाटा नजर आया। कोरोना के खतरे की वजह से मंदिर में श्रद्धालुओं के आने पर पाबंदी है, जिसकी वजह से आरती के दौरान पूरा मंदिर खाली दिखा। नवरात्र के मौके पर इस मंदिर में श्रद्धालु बड़ी तादाद में आते हैं और वहां की आरती में शामिल होने का तो अलग ही महत्व है, लेकिन कोरोना के खतरे की वजह से मंदिर में एक भी श्रद्धालु नहीं दिखा और मंदिर के पुजारियों ने देवी की आरती की। देश के दूसरे मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी पुलिस वाले तैनात दिखे। हालांकि मौका नवरात्र का है, लिहाजा उन्होंने माता का आशीर्वाद भी लिया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन नमस्ते शुरू करने का ऐलान किया। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने बताया कि ऑपरेशन नमस्ते के तहत सैनिकों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए एडवाइजरी और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं।
जो लोग ऑपरेशनल एरिया में तैनात नहीं हैं, जो LC या LAC पर नहीं है, वो ज़रूर लॉकडाउन और अन्य आदेश जो सरकार ने दिए हैं उसका पालन करें। और पराक्रम के दौरान 2001-2002 में कई महीनों 8-10 महीनों कोई भी छुट्टी नहीं गया था। और पराक्रम में भी हम विजयी निकले हैं और इस बार भी अप नमस्ते में भी हम फतेह हासिल करेंगे। आप निश्चिंत होके अपनी ड्यूटी करें, आपके परिवारों का ख्याल हम रखेंगे। सचिन ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए 50 लाख रुपए की मदद दी। सचिन तेंदुलकर ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए 50 लाख रुपए की मदद दी। साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस के इलाज के लिए डॉक्टरों की सलाह पर ध्यान देने की अपील की। हमारी सरकार हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ काम कर रही है और वही आपको पूरी तरह से ठीक होने में मदद कर सकते। लखनऊ के एपिक्स ट्रॉमा सेंटर में कोरोना वायरस से जुड़े मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया गया, जिसमें करीब 210 बेड होंगे। हम 210 मरीजों को रखने की व्यवस्था होगी। ऋतिक रोशन ने बच्चों से अपील की कि वो अपने बड़ों जैसे माता पिता या दादा दादी को घर से बाहर न जाने दें। इन बड़ों को समझाना होगा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए घर से बाहर जाने में कोई बहादुरी नहीं है, घर पर रहकर लड़ना होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार ने बताया कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मुद्दे पर केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें जरूरत पड़ने पर सेना को मदद के लिए भेजने की अपील की गई। दिल्ली के पास गाजियाबाद में SSP कलानिधि नैथानी ने सड़क किनारे बैठे एक बुजुर्ग दंपति को मेरठ में उनके घर तक पहुंचवाया। साथ ही उन्होंने पुलिस वालों को जरूरतमंद लोगों की मदद करने को कहा। पंजाब के नवांशहर जिले के एक गांव को पूरी तरह सील कर दिया गया। कुछ दिन पहले इसी गांव के रहने वाले एक आदमी की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके संपर्क में आए 21 लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए। अब इस गांव के लोगों की जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्फ्यू में छूट की समय सीमा 6 घंटे से घटाकर 3 घंटे कर दी। साथ ही शराब के ठेके बंद रखने का फैसला किया। लॉकडाउन के बीच क्रिकेटर श्रीशांत ने अपनी बेटी के साथ घर पर मस्ती करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। Playing with my son baby in the playing room. देश भर में लागू लॉकडाउन का असर केरल के वायनाड में भी दिखाई दिया। सब्जी मंडी और दवाई की दुकानों को छोड़कर ज्यादातर इलाकों में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया और पुलिस सड़कों पर गश्त करती रही। पुलिस ने वहां से जाने वाले सभी लोगों की जांच की और उसके बाद ही उन्हें वहां से जाने दिया गया और जो लोग बेवजह सड़कों पर निकले थे उन्हें लौटा दिया गया। इस दौरान इन पुलिस वालों समेत वहां से गुजरने वाले सभी लोग मास्क पहने नजर आए। देश भर में केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार ने 300 से ज्यादा स्कूलों में लोगों तक खाना पहुंचाने का इंतजाम किया है। ये इंतजाम उन लोगों के लिए है जिनके पास लॉकडाउन के बाद खाने का संकट खड़ा हो गया। ऐसे लोगों तक सरकार अब तक केवल रैन बसेरों के जरिए खाना पहुंचा रही थी, लेकिन अब स्कूलों में भी इसका इंतजाम किया गया है। लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लंच और डिनर यानी कि सुबह तकरीबन 11-11:30 बजे के लगभग खाना और शाम को 6:30 के लगभग खाना मिलेगा, जहां पर एक स्कूल में एक समय में 500 लोगों को खाना परोसा जाएगा। सरकारी कर्मचारी स्कूलों में बना हुआ खाना लेकर पहुंचे और लोगों को किसी पत्तल या प्लेट में नहीं बल्कि डिब्बों में खाना दिया, ताकि लोग घर पर परिवार के साथ बैठकर खाना खाएं और स्कूलों में भीड़ भी ना हो। पटपड़गंज के एक स्कूल में इंतजाम देखने के लिए डिप्टी CM मनीष सिसोदिया भी पहुंचे। महामारी के दौर में हर व्यक्ति एक दूसरे से दूर रहे लेकिन भूखा ना रहे, और सरकार उसको सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी भूखा ना रहे, जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी कर रही है, करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दावा किया कि दिल्ली में किसी को खाने की कमी नहीं होने दी जाएगी। जिन लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है, जिन लोगों के पास कुछ खाने को नहीं है, घर में बिल्कुल अब चूल्हा जलना बंद हो गया है, ऐसे लोगों को सरकार खाना बना के खिला रही है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिटवड़ में कोरोना वायरस के 3 मरीजों की सेहत ठीक होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर और नर्सों ने तालियां बजाकर उन्हें विदा किया। 3 मरीजों को अस्पताल से गाड़ी में वहां से ले जाया गया। इस दौरान अस्पताल से निकलने वाली सड़क के दोनों तरफ डॉक्टर और नर्स खड़े होकर ताली बजाते नजर आए। कुछ पुलिस वाले भी वहां मौजूद थे और वो भी ताली बजा रहे थे, जबकि गाड़ी में बैठे 3 मरीज हाथ जोड़कर डॉक्टरों और नर्सों का अभिवादन करते दिखाई दिए।
चकड़ी पूरी दुनिया के लिए एक राहत भरी खबर है। इस महामारी से पहले प्रदूषण की वजह से धरती से ओजोन का सुरक्षा कवच टूटने से पैदा हुआ संकट अब कम हो गया। नेचर पत्रिका में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव एंटार्क्टिका में ओजोन परत को प्रदूषण से जो नुकसान पहुंचा था उसकी काफी हद तक भरपाई हो गई और इससे धरती पर सूरज की किरणों के साथ आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाव होने लगा है, क्योंकि ओजोन परत ही अल्ट्रावायलेट किरणों को धरती तक आने से रोकती है। इससे पृथ्वी के दक्षिणी हिस्सों में जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाली आपदाओं क्लाइमेट चेंज तो होने वाली आपदाओं में कमी आने की उम्मीद जताई गई। बताया गया कि ओजोन को खत्म करने वाले केमिकल के अंधाधुंध इस्तेमाल की वजह से 1982 में पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत में बड़ा छेद हो गया था, जिसके बाद दुनिया भर के देशों ने 1987 में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल का इस्तेमाल कम से कम करने का वादा किया था। यूपी के मेरठ में बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल शारदा का कोरोना पर बनाया एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक सांस में कई बार कोरोना कहते नजर आए। ये वही विनीत अग्रवाल हैं जो लोकसभा चुनावों के दौरान एक सांस में कई बार कमल कमल कहते हुए दिखाई दिए थे। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करता हूँ। कोरोना 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 कोई रोड पे आओ ना। कोरोना 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 कोरोना। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में पीने के पानी की परेशानी से जूझ रहे लोगों तक टैंकर से पानी पहुंचाया गया। लॉकडाउन लागू होने के बाद इलाके में पानी की खपत बढ़ गई और इससे इलाके में पीने के पानी की किल्लत हो गई, जिससे निपटने के लिए सरकार ने टैंकर की मदद से पानी भिजवाया। इस दौरान पानी लेने पहुंचे लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए पुलिस वाले भी तैनात किए गए। ये पुलिस वाले लोगों को एक दूसरे से दूर दूर खड़े रहने और अपना नंबर आने पर ही पानी लेने की अपील करते दिखाई दिए। मुंह ढक के रखो और 2 मीटर का गैप रखो, नंबर आएगा सबका पानी मिलेगा। इलाके में रहने वाले लोगों ने बताया कि उनके गांव में पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन ही नहीं है। पानी की लाइन होती तो यहाँ पानी साफ आता, अच्छा आता। जहाँ पे है वहाँ पे गंदा पानी आता है। यहाँ पे लीकेज है, पुरानी पुरानी लाइनें, काफी पुरानी लाइनें, वो आज तक ठीक नहीं हुई, रिपेयरिंग नहीं हुई है। हालांकि पुलिस वालों की निगरानी में बांटे जा रहे पानी से कुछ लोग खुश भी दिखे। आज तो सही है, कल बहुत भीड़ था, कल पानी हम लोग को नहीं मिला, बहुत 1-1.5 घंटे लाइन में लगे रहे। यूपी के मेरठ में बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल शारदा का कोरोना पर बनाया गया एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक सांस में कई बार कोरोना कहते नजर आए। ये वही विनीत अग्रवाल हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान एक सांस में कई बार कमल कहते हुए दिखाई दिए थे। उधर कोरोना वायरस की वजह से लोगों से एक दूसरे से दूर रहने की अपील की जा रही है, लेकिन ओडिशा के केंद्रापाड़ा में एक प्राइमरी स्कूल खुला नजर आया, जहां छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के पास जमीन पर बैठकर पढ़ते दिखाई दिए। इस घटना की जानकारी मिलते ही वहां फौरन पुलिस पहुंच गई और लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में स्कूल के टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। बेंगलुरु में लॉकडाउन के दौरान पुलिस जरूरतमंद लोगों को खाना खिला रही है, जिसके लिए वहां की पुलिस ने एक थाने में ही किचन बना दिया और पुलिस वालों ने उस किचन में अपने हाथों से खाना पकाया। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे गरीब लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं और उनको 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। बेंगलुरु की पुलिस ने लोगों की इसी तकलीफ को समझा और थाने में ही खाना पकाना शुरू कर दिया। इस दौरान सभी पुलिस वालों ने मिलकर सब्जी काटी और खाना पकाया, जिसके बाद पुलिस वालों ने ये खाना जरूरतमंद लोगों में बांटा। साथ ही पुलिस ने लोगों को खाना खिलाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा और अनुशासित तरीके से खाना बांटा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रशासन ने एक स्टेडियम को ही सब्जी मंडी में तब्दील कर दिया। सब्जियां खरीदने पहुंच रही भीड़ को कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचाने के लिए ये कदम उठाया गया, जिसके लिए एक स्टेडियम के अंदर सब्जियों की दुकानें लगा दी गई और इन दुकानों के आगे लोगों को एक दूसरे से दूर खड़ा करने के लिए निशान भी बना दिए गए, जबकि कुछ दुकानें स्टेडियम के बीच में बनाई गई। इस दौरान स्टेडियम के अंदर सब्जियां खरीदने पहुंचे लोगों की भीड़ भी दिखाई दी। हालांकि काफी जगह होने और निशान बनाए जाने की वजह से लोग एक दूसरे से तय दूरी पर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। विराट कोहली ने फिर लोगों से घर पर रहने की अपील की। विराट कोहली ने फिर लोगों से ईमानदारी से घर पर रहने की अपील की। जो भी सरकार ने हमको डायरेक्टिव्स दिए हैं, जो भी चीजें करने को दी हैं, उसको प्लीज प्लीज बहुत ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से फॉलो करें।
यूपी कांग्रेस ने राज्य सरकार को एक खत लिखा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लोगों की मदद करने की इजाजत देने की मांग की गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक खत लिखा और इस मुश्किल घड़ी में राज्य सरकार का साथ देने की बात कही। साथ ही उन्होंने सरकार को मजदूरों और किसानों के लिए जरूरी कदम उठाने समेत कुछ सुझाव भी दिए। अभिनेता रणदीप हुड्डा ने हरियाणवी अंदाज में लोगों से लॉकडाउन के दौरान घर जवान सेना की गाड़ी में बैठे जवानों को मास्क देते हुए दिखाई दिया। महाराष्ट्र में शिरडी के साई मंदिर ट्रस्ट ने सीएम राहत कोष में 51 करोड़ की रकम दान दी, जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस से निपटने के लिए किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बाद अब वहां के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैंकॉक में भी कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए। Upon medical advice, I was tested and that test has been positive. शिल्पा शेट्टी का अपने परिवार के साथ कैरम खेलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए असम के गुवाहाटी के सुरसजाई स्टेडियम में राज्य का पहला आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है। दावा है कि यह एक हफ्ते में तैयार कर लिया जाएगा और इसलिए स्टेडियम में आइसोलेशन सेंटर बनाने की तैयारी जोरों पर दिखी। कई मजदूर स्टेडियम में काम करते हुए नजर आए। इस दौरान उनके चेहरे भी मास्क से ढके रहे। आइसोलेशन सेंटर का काम देखने असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा खुद मौके पर पहुंचे। वी आर एस्टैब्लिशिंग लार्ज होम क्वारंटाइन कैंप इन दिस कॉम्प्लेक्स सरोसजाई स्टेडियम विथ अ कैपेसिटी ऑफ अराउंड 1000। दावा है कि स्टेडियम में बनाया जा रहा आइसोलेशन सेंटर पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा आइसोलेशन सेंटर होगा, जिसमें रहने का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इन ए फैमिली एनी पॉजिटिव केस इमर्ज देन द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली विल बी टेकन टू दिस सेंटर। हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में भारी बर्फबारी हुई, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई। कोरोना वायरस की वजह से पहले ही लॉकडाउन लागू है और अब बर्फबारी के बाद लोगों की मुसीबत और बढ़ गई। ऐसे हालात में जरूरत के सामान के लिए भी घर से निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया। लाहौल स्पीति में इतनी बर्फबारी हुई कि सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। पेड़ों के पत्तों से लेकर टहनियां तक बर्फ से ढके नजर आए। मकानों की छतें और उनके बाहर खड़ी गाड़ियों पर भी बर्फ की मोटी परत जम गई। कमोबेश ऐसे ही हालात मनाली में भी देखने को मिले, जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। कई जगहों पर इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि घर के सामने बर्फ का ढेर लग गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि 1 अप्रैल तक राज्य भर में रुक रुक कर बर्फबारी जारी रह सकती है। तो ये तस्वीरें आपको हिमाचल प्रदेश की दिखा रहे हैं, कई शहर जहां बर्फबारी की तस्वीर सामने आई। बारी हिमपात हो रही है, जिसके चलते यहां का सामान्य जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी और अब सुबह 8 बजे का कोरोना बुलेटिन। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में देश में 11 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। ये पहली बार है जब देश में एक ही दिन में 100 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 834 हो गई है। हालांकि अभी तक 67 मरीज इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जरूरतमंद लोगों को खाने पीने का सामान बांटा। लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में सब कुछ बंद है, जिससे रोज कमाकर खाने वाले लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। जिसे देखते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ट्रक में सामान भरकर शहर के एक इलाके में पहुंची और जरूरतमंद लोगों को अपने हाथों से खाने पीने का सामान दिया। लोगों को सामान बांटने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। जिस जगह पर सामान बांटा जा रहा था, वहां थोड़ी थोड़ी दूरी पर गोल घेरा बना दिखाई दिया, जिसमें खड़े होकर लोगों ने सरकार की तरफ से दिया जा रहा खाने का सामान लिया। इस दौरान ममता बनर्जी और वहां मौजूद दूसरे अधिकारियों ने मास्क पहन रखा था। यही नहीं, खाने पीने का सामान ले रहे मजदूर भी मास्क लगाए दिखे। मुख्यमंत्री के बाद कई दूसरे बड़े अधिकारियों ने भी लोगों को जरूरत का सामान बांटा। राजस्थान सरकार ने बड़ी संख्या में मजदूरों के पलायन को देखते हुए एक राज्य से दूसरे राज्यों में मजदूरों के जाने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, राज्य की गहलोत सरकार ने एक जिले से दूसरे जिले में मजदूरों के जाने पर रोक लगा दी है। गहलोत सरकार ने अपने राज्य की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया है। गहलोत सरकार ने कोरोना के फैलने के खतरे को देखते हुए ये फैसले लिए।
इंटर स्टेट बॉर्डर मूवमेंट हो रहा है, इस पे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, किसी प्रकार का जो है वो मूवमेंट परमिटेड नहीं है। और सबसे अपील है की गई है कि ये जो लेबर वगैरह का मूवमेंट हो रहा है इसको बंद कर दें। अहमदाबाद में लॉकडाउन के दौरान कुछ संगठनों ने नगर निगम की मदद से मजदूरों तक खाना पहुंचाया। लॉकडाउन लागू होने के बाद बेरोजगार हुए कई मजदूर अलग अलग इलाकों में फंस गए, जिनकी मदद के लिए कुछ संगठन आगे आए और खाना बनवाने में जुट गए। इस काम में कई महिलाएं भी शामिल हुई और पूड़ियां बनाती हुई नजर आईं, जबकि कई लोग खाने के पैकेट बनाने में जुटे दिखाई दिए। मजदूरों को किसी तरीके की तकलीफ न हो ऐसे में प्रशासन के साथ साथ अगर जो आम लोग हैं वो अगर जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा सा काम आसान हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों के लिए तकरीबन 5000 फूड पैकेट्स तैयार किया जा रहा है। संगठन से जुड़े लोगों ने लॉकडाउन के दौरान खाने की ये पैकेट शहर के अलग अलग इलाकों में फंसे मजदूरों तक पहुँचाने के लिए नगर निगम की मदद ली। कॉरपोरेशन डिस्ट्रीब्यूट करता है यहाँ का, सबसे छोटे से छोटे आदमी तक जो रोज लाता है रोज खाता है उसके, वो बेचारा भूखा नहीं रहे उसकी चिंता गवर्नमेंट करती है और हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। लॉकडाउन के बीच दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से लोगों का अपने शहरों में लौटना जारी है। सैकड़ों लोग पैदल ही अपने घरों को लौट रहे हैं। गाजियाबाद में कौशाम्बी बस अड्डे पर अपने घरों को जाने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग अपने सामान और परिवार के साथ बस अड्डे पर जुट गए और दूसरे शहरों के लिए जाने वाली बसों का पता करने लगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के कम्युनिटी किचन में पहुंचकर खाने के पैकेट खोलकर देखते दिखे। योगी आदित्यनाथ वहां गरीबों और मजदूरों के लिए बनाए जाने वाले खाने की जांच करने पहुंचे, लेकिन इस दौरान वो वहां रखे खाने के पैकेट को उठाकर उसे खोलने लगे। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के डीएम और दूसरे अधिकारियों के साथ वहां बनाए गए कम्युनिटी किचन का मुआयना किया। वहां लॉकडाउन के दौरान गरीबों और मजदूरों के लिए खाने के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी एक जगह रुक गए और वहां पैक किए जाने वाले खाने के बारे में पूछताछ करने लगे। इस दौरान उन्होंने एक पैकेट उठाकर उसे खोलना शुरू कर दिया। हालांकि पैकेट खोलने के बाद वो खाने की क्वालिटी से खुश नजर आए, जिसके बाद वो दूसरी चीजों की जाँच के लिए आगे बढ़ गए। कम्युनिटी किचन से निकलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए और फिर वहां से रवाना हो गए। राजस्थान के कोटा में लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 70 वाहनों को जब्त कर लिया। इसके अलावा 33 गाड़ियों के चालान भी किए गए। कोटा पुलिस लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में करीब 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। पुलिस की तरफ से लगातार लॉकडाउन को मानने की अपील की जा रही है, साथ ही पूरे इलाके में निगरानी रखी जा रही है। इटली के मिलान में हुए एक फुटबॉल मैच को वहां कोरोना वायरस से होने वाली तबाही की शुरुआती वजह बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 19 फरवरी को इटली के मिलान में एटलांटा और स्पेन के वालेंसिया क्लब के बीच फुटबॉल मैच खेला गया था, जिसमें एटलांटा का समर्थन करने के लिए बर्गेमो शहर से करीब 40,000 लोग वहां पहुंचे, जबकि स्पेन से भी करीब 2,500 लोग वहां आए। इस मैच के 2 दिन बाद ही इटली में कोरोना का पहला मामला सामने आया था, जबकि मैच के बाद वालेंसिया की टीम के करीब 35% स्टाफ में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद ही बर्गेमो शहर के मेयर और कुछ दूसरे लोग इस फुटबॉल मैच को वहां इस महामारी की वजह बताने लगे। माना जा रहा है कि अपनी टीम की जीत से खुश इटली के दर्शकों ने एक दूसरे के साथ जश्न मनाया होगा, ऐसे में ये वायरस एक दूसरे में तेजी से फैल गया। चर्चा है कि इस मैच के बाद ही वहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मौत भी लोम्बार्डी प्रांत के बर्गेमो शहर में हुई। लॉकडाउन के बाद लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन में सरकारी एजेंसियों की तरह से ही इसकी धज्जियां उड़ती दिखाई दी। खरगोन में गरीब और मजदूर वर्ग के लिए अनाज बांटने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी ख्याल नहीं रखा गया। खरगोन नगर पालिका की तरफ से गरीबों को अनाज बांटा जा रहा था और जैसे ही गाड़ियां पहुंची अनाज देने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोगों को ना तो लाइन में लगाने के लिए पुलिस वाले थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्था थी। ऐसे में लोगों और नगर पालिका की तरह से इस तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। लॉकडाउन के दौरान अहमदाबाद में रह रहे कुछ मजदूरों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है, जबकि प्रशासन उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। ये वो मजदूर हैं जो रोजाना काम करके अपना पेट पालते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद सभी रोजगार बंद होने से झुग्गियों में रह रहे इन मजदूरों को खाने के लिए हर रोज जूझना पड़ रहा है।
ऐसे हालात में अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ रह रहे इन मजदूरों को प्रशासन से मदद की उम्मीद है। सबसे बड़ी दिक्कत आप देखिए पूरी कॉलोनी है और सबसे ज्यादा दिक्कत इनको यही आ रही है खाने पीने की, जो कि जो राशन पानी था वो पहले जो दो तीन दिन तक का था वो खत्म हो चुका है इस लॉकडाउन में। हालांकि कुछ मजदूर ऐसे भी हैं जो अपने घर लौट गए लेकिन बाकी लोग लॉकडाउन में यहीं फंसे रह गए। खाने पीने को बहुत प्रॉब्लम हो गया, दवा का पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं है और वहाँ गाड़ी का वाहन भी नहीं कि गांव चले जाएं। फिलहाल ये मजदूर घर में जो खाने का सामान बचा है उसी से गुजारा करने को मजबूर हैं। चंडीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव का 8वां मामला सामने आया है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना से पीड़ित व्यक्ति मैकेनिक का काम करता है और हाल ही में दुबई से लौटा था। नियम के मुताबिक इस व्यक्ति को आइसोलेशन में रहना था लेकिन पिछले 15 दिनों से ये शहर के अलग अलग इलाकों में घूम रहा था। अब चंडीगढ़ का स्वास्थ्य विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि और कौन कौन से लोग इस व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। वेनेजुएला की राजधानी कैरकस में घर में बंद लोगों के मनोरंजन के लिए सर्कस के कलाकार भेजे गए। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से वहां पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया और इसीलिए वेनेजुएला की सरकार ने लोगों के मनोरंजन का अनोखा तरीका अपनाया और राजधानी कैरकस में जनता का दिल बहलाने के लिए सर्कस के कलाकार भेजे, जिन्होंने सड़कों पर सर्कस के करतब दिखाए और लोगों ने अपने घर की बालकनी से उनका मजा लिया। इस दौरान कई लोग सर्कस के कलाकारों के साथ ताल से ताल मिलाकर नाचते हुए नजर आए। एक दिन पहले ही वेनेजुएला में कोरोना वायरस से मौत का पहला मामला सामने आया था। यही नहीं, कोरोना मरीजों का आंकड़ा वहां 100 के पार जा चुका है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से कोरोना संकट से निपटने के लिए सहयोग की अपील की है। अशोक गहलोत ने कोरोना से निपटने के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदम की पीएम मोदी को जानकारी भी दी। पीएम मोदी ने भी अशोक गहलोत को राजस्थान में कोरोना से निपटने के लिए हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। दिल्ली के द्वारका में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए डॉक्टरों की एक टीम पुलिस पिकेट पर पहुंची। डीसीपी की अपील पर इन डॉक्टरों ने पुलिस वालों को खुद को सुरक्षित रखकर काम करने के तरीके बताए। इन दिनों पुलिस वाले दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है और इसलिए अलग अलग अस्पतालों से 6 डॉक्टरों की टीम ने पुलिस वालों को कोरोना वायरस से बचने के तरीके बताए। जिनको भी आप रोक रहे हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें, उनकी चीजों को टच ना करें, जब आपको मौका लगे साबुन पानी से हाथ धो लीजिए। साथ ही पुलिस वालों की सुरक्षा के लिए उन्हें दस्ताने, मास्क और सैनिटाइजर भी दिए गए। आपके पहने, आपके बेल्ट बकल है, जितनी भी मेटल की चीज आपके पास है, उन सब चीजों को आप दिन में 3 से 4 बार सुडाइल करें, क्योंकि मेटल पे सबसे ज्यादा वायरस रहता है। दिल्ली के द्वारका के डीसीपी ने पुलिस वालों को जागरूक करने के लिए डॉक्टरों से अपील की थी। इनको भी ये मेडिकल अवेयरनेस के बारे में जरूरत है। लगभग 5-6 डॉक्टर्स का टीम है, ये सभी पिकेटों में जाएंगे द्वारका में। लॉकडाउन की वजह से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में फंसे नेपाल के नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। नेपाल सरकार ने अपने नागरिकों के लिए झूलाघाट और धारचूला में झूला पुलों को खोल दिया है। इन पुलों के खुलने के बाद नेपाल के करीब 400 नागरिक स्वदेश लौट गए। इलाके के सांसद ने विदेश मंत्रालय के जरिए नेपाल सरकार से इन पुलों को खोलने की अपील की थी। नेपाल जाने से पहले इन लोगों का पुलिस और SSB की मौजूदगी में मेडिकल भी करवाया गया। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश के कई हिस्सों में लोगों ने खुद ही एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लॉकडाउन का पालन करने के लिए कुछ गांवों ने बाहर से आने वालों के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए और इन्हीं में एक वो गांव भी शामिल है जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से करीब 60 किलोमीटर दूर है, जहां लोगों ने बांस के डंडों से बैरियर बना दिया और उस पर नो एंट्री और लॉकडाउन लिखे गत्ते टांग दिए। बैरियर के पास ही पानी की बाल्टी और साबुन रखा हुआ भी दिखा। गांव में जाने के लिए बाहर से जो लोग आए उन्होंने पहले साबुन से हाथ धोए और उसके बाद ही वो गांव में दाखिल हुए। गुजरात के नर्मदा जिले के गोपालपुरा गांव में भी लोगों ने एंट्री पर एक बैनर लगा दिया जिस पर गुजराती में गांव में न घुसने की बात लिखी दिखी और तो और वहां कुछ लोग पहरेदारी करते हुए भी नजर आए। गाड़ियों में गांव में आने वाले लोगों से पूछताछ के बाद ही उन्हें अंदर घुसने दिया गया। गांव में अभी तक एक भी ऐसा पॉजिटिव केस नहीं है, इसलिए हमने बोर्ड लगाया कि कोई व्यक्ति बाहर से ना आए। यूपी के मऊ में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कासिमपुरा मोहल्ले में लोगों ने खुद ही लॉकडाउन का बोर्ड लगा दिया। अब इस मोहल्ले में रहने वाला कोई भी व्यक्ति बिना किसी जरूरी काम के बाहर नहीं जा सकता है। इस इलाके में हर गली में बांस के बैरिकेड लगा दिए गए हैं और साथ ही मोहल्ले के बाहर गली पर बोर्ड लगा दिए गए हैं जिस पर लिखा है कि इलाका लॉकडाउन है। इसी तरह के बोर्ड यहाँ की हर गली में लगे हुए हैं और किसी भी बाहरी आदमी को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है।
दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान सब्जियों की कीमत आसमान पर पहुंच गई है, जिससे लोगों के घरों का बजट बिगड़ने लगा है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमतों में उछाल आ गया। दिल्ली की आजादपुर मंडी में आलू की कीमत 35 रुपए किलो तक पहुंच गई और मंडी के बाहर यही आलू दुगने दाम में बिक रहा है। इसी तरह टमाटर 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन मंडी से निकलते ही इसके दाम आसमान पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जो आलू है 35 रुपए किलो है, और जो बाजार के अंदर है वो सड़ा गला आलू भी 60 रुपए 70 रुपए से कम नहीं दे रहे, और अच्छा आलू 100 रुपए के आसपास जा रहा है। कीमत में उछाल आने की वजह से मंडी में सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भीड़ दिखाई दी। इस दौरान सब्जी बेचने वाले और खरीदने वाले लोग मास्क पहने नजर आए, जबकि कुछ लोगों ने मुंह और नाक पर रुमाल बांध रखा था। दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से बाहर से सब्जियां आनी बंद हो गई हैं, जिससे दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये जब से लॉकडाउन लगा है, इसी चक्कर से आगे से माल आना बंद हो, सारी बॉर्डर सील हो गई हैं, उसी चक्कर में अब माल कम आ रहा है, इसी चक्कर में आलू का रेट बढ़ गया, चाहे प्याज का, किसी सब्जी का रेट काफी बढ़ गया। इस बीच आजादपुर मंडी के अध्यक्ष आदिल खान ने लॉकडाउन के दौरान लोगों से नहीं घबराने और सब्जियों को जमा नहीं करने की अपील की। मंडी में पर्याप्त सामान है, आलू प्याज टमाटर फल सब्जियां पर्याप्त मात्रा में है, तो कोई भी स्टोर करने की कोशिश ना करे, सबको दिल्ली में प्रॉपर सब्जी और फल देने की जिम्मेदारी हमारी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शहर छोड़कर जा रहे गरीब और मजदूरों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की है। लॉकडाउन की वजह से पिछले कई दिनों से लोग दिल्ली छोड़कर यूपी और बिहार में अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल गए हैं, जिसके बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मीडिया से भी अफवाहों पर रोक लगाने की मदद की अपील की। मनीष सिसोदिया के मुताबिक कई राज्यों में अफवाह फैल गई है कि बस आप बॉर्डर पर जाएं, दूसरे राज्यों में बसों की व्यवस्था है। इसी अफवाह की वजह से लोग हरियाणा से दिल्ली और फिर दिल्ली से यूपी जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया की माने तो लॉकडाउन अब विस्थापन में तब्दील हो रहा है।